वेलकम दोस्तों, लोन्स एआई सिक्योरिटी क्रेडिट ऐप। तो इस एप्लीकेशन के आज मैं रिव्यू करने चाह रहा हूं। तो आप लोग देख सकते हो 4.66 स्टार इसका रेटिंग्स है और 50K से भी ज़्यादा इसका डाउनलोड्स है। तो ये एप्लीकेशन कैसा है गाइस, ये एप्लीकेशन रियल है या फेक, यहाँ पे क्या क्या इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आता है, कंप्लीट ओवरव्यू आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है लेकिन ये सारी चीज़ें सही नहीं है गाइस। मैं आप लोगों को टॉप 10 पॉइंट्स बताऊंगा इस एप्लीकेशन के बारे में कि इंटरेस्ट रेट से लेके इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स क्या आते हैं और ये एप्लीकेशन रियल है या फेक। तो कंप्लीट ओवरव्यू आप लोगों को इसी एप्लीकेशन पे मतलब इसी वीडियो पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस कंप्लीट देखना तो पूरी बातें आप लोगों को बता चलेंगे। तो पहले से हम लोग शुरू करते हैं गाइस इंटरेस्ट रेट से। तो इंटरेस्ट रेट तो गाइस आप लोगों को हाई ही पे करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन पे। इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है लोन से आई एप्लीकेशन पे। आप लोगों को 35% तक इंटरेस्ट रेट आप लोगों को देना पड़ सकता है। मिनिमम 30% तो आप लोग पकड़ ही लो, प्लस आप लोगों को यहाँ पे GST भी पे करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस भी आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे देना पड़ेगा 2.5% से 5% के आसपास आप लोगों को प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देना पड़ेगा। लोन अमाउंट आप लोग मिनिमम 2000 का ले सकते हो और मैक्सिमम आप लोग 50,000 तक लोन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप लोग रिपेमेंट पीरियड आप लोगों को शॉर्ट ही मिलेगा गाइस। इस एप्लीकेशन पे बताते हैं कि आपको लोन लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं होता है। हकीकत में तो शॉर्ट ही रिपेमेंट पीरियड मिलते हैं। रिपेमेंट आप लोग इसी एप्लीकेशन पे कर सकते हो। अगर आप लोग लेट पेमेंट करोगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, आपके पास आपकी अगर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो आप लोग यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज 21 ईयर से ज़्यादा होना पड़ेगा और आपको इंडिया से ही होना पड़ेगा तो ही आप लोग यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कस्टमर केयर का रेस्पॉन्स गाइस अच्छा खासा मिल जाता है। फिलहाल के टाइम पे तो रेस्पॉन्स अच्छा ही मिलता है। एक दिन के अंदर आपको रेस्पॉन्स मिल जाएंगे। कस्टमर केयर का नंबर भी आप लोगों को इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लोन से आई ये जो सिक्योरिटी ऑन क्रेडिट एप्लीकेशन है गाइस RBI के साथ अप्रूव्ड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो RBI अप्रूव्ड NBFC के साथ इन लोगों का एफिलिएशन है, रजिस्ट्रेशन है। तो ये सेफ एप्लीकेशन है गाइस। काफ़ी लोग पूछते हैं कि एप्लीकेशन सेफ है या नहीं, RBI अप्रूव्ड है या नहीं। तो गाइस RBI अप्रूव्ड एप्लीकेशन है लेकिन फिर भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे इस एप्लीकेशन पे आते हैं। पहले तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे रिजेक्शन मिलते हैं, काफ़ी लोगों को रिपेमेंट पे प्रॉब्लम आते हैं, काफ़ी लोगों का इस एप्लीकेशन की जो भी लोन रिकवरी एजेंट्स होता है वो सारे लोग परेशान करते हैं और काफ़ी लोगों को मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिलता है। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन लोगों की बताया है कि हल बहुत ही हाई इंटरेस्ट लेता है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है और ड्यू डेट से पहले ही कॉल मैसेज करके परेशान करते हैं। तो ऐसा इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स भी इस एप्लीकेशन पे आते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, रिक्स एप्लीकेशन है। लोन से आए एप्लीकेशन पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी आया है और बहुत लोगों को मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हाई इंटरेस्ट पे लोन मिला है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही फेक एप्लीकेशन है गाइस। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अच्छा रिव्यूज़ भी दिया है क्योंकि उन लोगों को लोन मिला है। तो आप लोग अपने हिसाब से मतलब देख लेना यार, रिक्स एप्लीकेशन है, अगर आप लोग रिक्स लेना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो। ऐसे लोन मिलने का चांसेस फिलहाल के टाइम पे ज़्यादा है क्योंकि ये एप्लीकेशन वाले आप लोग देख सकते हो 50K से ही डाउनलोड्स हुआ है और भी इन लोगों को भी अपना बिजनेस ग्रो करना है। तो आप लोग चाहो तो अप्लाई करके देख सकते हो। अगर आपको लोन मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको लोन नहीं मिलता है फिर भी क्या है, बहुत सारी पर्सनल लोन्स एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर आप लोग ट्राई तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या सोचते हो लोन से आई सिक्योरिटी क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में, ये एप्लीकेशन कैसा है, रियल है या फेक है, कमेंट पे ज़रूर बताओ। आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।